हम लोग वही चीजें करते हैं जिस चीज के लिए हम कन्विंस्ड होते हैं, हम खुद कन्विंस्ड होते हैं, कोई और नहीं कन्विंस करता। आपने इतने सालों से जो ये टीचिंग्स पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट मिला है, आपकी जो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट है, आप जो थोड़े बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स कम हैं, वो किसी की बताई हुई हिप्नोटिज्म नहीं है, किसी ने आपका दिमाग नहीं बदल दिया, ये आपकी खुद की ग्रैस्पिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस योग की यात्रा में, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में, जिसका नाम है ज़ेन योगा चैलेंज 2023। आज के चैप्टर का नाम है सेल्फ कॉन्क्वेस्ट, स्वयं के ऊपर विजय। इसमें इस चैप्टर में हम कोई ऐसी चीज सीखेंगे जो आज तक किसी स्पिरिचुअलिटी की किताब में नहीं बताया गया, नॉट इवन भगवद गीता और रामायण। जितने भी अलग अलग गुरुज हुए हैं, जब तक वो जिंदा थे तब तक ये चीज़ अपने डिसाइपल्स को बताते थे। उनके जाने के बाद ख़ासतौर से जो आज का पॉइंट आप सीखेंगे वो उनकी टीचिंग्स में से, मतलब जब वो गुरु चले जाते हैं उसके बाद जो डिसाइपल्स होते हैं या संस्थापक होते हैं, जो संस्था को चलाने वाले होते हैं, गुरुज नहीं होते, एनलाइटेंड नहीं होते, वो लोग धीरे धीरे इस पॉइंट को हटा देते हैं, जानबूझ के नहीं, उनको लगता है कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट का पॉइंट अभी समझ में आएगा, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट क्या है। बहुत ही सिंपल चीज है बट यू नीड टू रिमेंबर इट। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप ज़ेन योगा के हिसाब से सेलुलर मॉलिकुलर और मॉलिकुलर प्लेन्स पे आ गए हैं। मतलब ये कि इसके पहले हम केवल IESM थे, माइंड और बॉडी थे, हम अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक सेंशुअल प्लेजर्स के लिए, मौज मस्ती के लिए जिंदा रखते थे। जब से आपने स्पिरिचुअलिटी सीखी है आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो मॉलिक्यूलर चेंजेस आना शुरू हुए हैं। अभी आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में घुस नहीं पाते लेकिन फिर भी आपके अंदर में एक सटल एनर्जी बिल्डअप हो रही है जो समझदारी की एनर्जी है, वो है सेलुलर मॉलिक्यूलर ग्रोथ। और हम ही चारों में से एक कोई ऐसी एंटिटी है जो मॉलिक्यूलर एंटिटी भी हो चुका है, जिसके पास मिस्टिकल पावर्स आना शुरू हो गई है, हम चार में से। आप लोग मेरी तरफ पॉइंट आउट करें इसका मतलब तुम लोग तो हो नहीं। अच्छा, और जैसे ही किसी के पास मिस्टिकल पावर्स आती हैं तो उसकी हालत उस बच्चे की तरह हो जाती है जिसके हाथ में कोई खतरनाक औजार आ जाता है, चाकू गन, मन करता है यूज करने का। और मैं बात कर रहा हूं छोटे बच्चे की, बहुत छोटे बच्चे की। तो जैसे ही मिस्टिकल पावर्स आती हैं तो उस बच्चे को ये शब्द, ये जो बातें हैं पता होनी चाहिए, नहीं तो वो टेम्प्टेड हो जाएगा, उसको मन करेगा थोड़ा सा यूज करके देखें, क्योंकि ये जो मिस्टिकल पावर्स है ना, दे आर इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर आपने किसी की डेस्टिनी में चेंज ले आए, जो अनवांटेड चीजें थी, तो उसका जो कार्मिक फल आपको मिलेगा, नेगेटिव फल, वो जन्मों जन्मों तक तो खत्म नहीं होगा। इसलिए सभी जेन्युइन गुरुज ने अपने शिष्यों को कहा है कि मिस्टिकल पावर्स को मत यूज करो। लेकिन आज का लेसन ये नहीं है, ये तो एक बात है जो आपको याद रखनी है, आज का लेसन कुछ और है। तो आपने ज़ेन योगा स्टार्ट किया फॉलो करना, आपका IESM में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, 2482 मतलब इंटेलिजेंस 2, इमोशन 4, सेक्सुअलिटी 8 थी, इसकी वजह से एनर्जी ड्रेन होती थी, अब धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म होकर 5221 हो गया, मतलब इंटेलिजेंस 5 और इमोशन और सेक्सुअलिटी 2-2 है और वो इंटेलिजेंस की बात मानता है। तो अब एनर्जी इकट्ठी हो रही है, आपने सेक्शन 2B खोलना शुरू कर दिया है और सेक्शन 2B जब काफ़ी खुल गया तो आपने सेक्शन 3B खोलना शुरू कर दिया, तभी तो आपके पास मिस्टिकल पावर्स आई। ये सब बदलाव कैसे आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि आपके सेल्स, बॉडी के सेल्स, अब उनको मिल रही है न्यू रिदम। जब आप 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, एक रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं, तो उसको न्यू रिदम मिलता है और इसी की वजह से आपका सेल, आपकी बॉडी कॉन्शियसली चेंज होती है, या तो कहना चाहिए कॉन्शियसनेस को बढ़ाने वाली चेंज लेकर आती है और आपकी पूरी की पूरी बीइंग का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खास चीज़ होती है, आपकी पूरी बीइंग का पिच बढ़ता है,
पिच समझते हैं, आवाज की पिच, हाई पिच लो पिच। एक हाई पिच की आवाज दूर तक पहुंच सकती है, ऐसे ही एक बॉडी की भी पिच होती है। जब वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो नॉर्मली जो हम लोग प्राण लेते हैं वो कहां से लेते हैं, अपने सांसों से, अपने नाक से। वैसे तो लेते हैं पूरी बॉडी से, लेकिन मेनली हमारे प्राण आते हैं हमारे नाक से। और धीरे धीरे ज़ेनोगा की प्रैक्टिसेस की वजह से आपकी पूरी बॉडी में, जहां जहां से भी वो पॉसिबल हो सकता है, स्किन के पोर्स में से और सब जगह से प्राण का इनटेक आता है, फ्लो आता है। यहां पर एक बात जानने की जरूरत है, प्राण क्या है? प्राण वो एलिमेंट है जो मैटर और नॉन मैटर के बीच की चीज है, मतलब जो डेड चीजें हैं और जो जिंदा चीजें हैं उनकी बीच की चीज है। प्राण को ऑब्जर्व करना बहुत 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 मुश्किल है, आंखों से देख पाना। ये दुनिया में कोई भी और हर किसी सब्सटेंस को पेनिट्रेट कर सकती है प्राण, और इसी वजह से जहां जहां भी प्राण है वहां वहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। चाहे वो समंदर की गहराइयों में, वहां पर भी प्राण है, चाहे मिट्टी में, वहां पर भी प्राण है, चाहे आउटर स्पेस में, वहां पर भी प्राण है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पर भी प्राण है। तभी तो अलग अलग प्लैनेट्स पे प्राण है, तभी तो जिंदा है। और पता है ज़ेनोगा कहती है, प्राण को सप्लाई करने वाला पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कॉस्मोस को प्राण सप्लाई कौन करता है? मून। मून हमारा धरती का जो मून है, चांद, वो पूरे कॉस्मोस को प्राण सप्लाई करता है। बड़ी अजीब चीज है, छोटा सा अर्थ और उससे भी छोटा मून, वो प्रोवाइड करता है प्राण पूरे ब्रह्मांड को। पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं यम और नियम। आमतौर पे हम इसको ऐसे मानते हैं जैसे स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, अच्छे से रहो, कायदे से रहो, शरीफों की तरह रहो, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है। यम और नियम का असल मतलब है आपके ब्रेन के सेंटर्स को ट्रेन करना। अगर आप रोज ट्रेनिंग देते हैं अपने आप को, जैसे ज़ेनोगा बोलती है, आप रोज अपने अंदर की अवेकनिंग करते हैं, आईएसएम को देखते हैं, थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जो कुछ भी यहां पर बोला गया है उसके साथ एक बात ध्यान रखिए, कोई जबरदस्ती नहीं। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी स्पिरिचुअल टीचर के साथ काम करेंगे, वो कहेगा थोड़ी जबरदस्ती अलाउड है। ज़ेनोगा कहती है नो जबरदस्ती, नो स्ट्रेन्ड एफर्ट, नो सस्पेंस। कोई छुपी छुपाई चीज नहीं है कि मैं ये क्रिया करता हूं इसलिए ये मेरे को हो जाता है, मेरे फला फला गुरुजी मेरे को ये दीक्षा देते हैं, मैं रात को मेरे सर पे टच किया और मैं एनलाइटेंड हो गया। नो सस्पेंस, ऐसी बकवास बातें यहां नहीं। चाहे आप खाना कम करते हैं, चाहे नींद कम करते हैं, चाहे नींद का टाइम चेंज करते हैं, चाहे सेक्स के ऊपर रेगुलेशन करते हैं, इसमें से कोई भी चीज आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ? जब आप कम खाना खाते हैं तो आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैंने खाना कम कर दिया अब मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा ना, ये है आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ। जब आप खाना खाते हैं तो आपको भूख शांत होती है बस, और किसी काम के लिए खाना नहीं खाते। आप दवाई खाते हैं तो आपकी बीमारी खत्म होती है बस, आप सोते हैं तो आपकी नींद पूरी होती है। ये चीजों को करने के बाद आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप ज़ेनोगा की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक आर्टिफिशियल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। नो होलियर देन दाउ फीलिंग। जब मैं ओशो को पढ़ता था, उसके बाद कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में गया, तो मुझे कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगी, समझदारी वाली लगी, तो मुझे लगने लगा होलियर देन दाउ, ये बीमारी आ गई। होलियर देन दाउ क्या है श्रीश? होलियर देन दाउ ये सब कच्चे लिंबू हैं, मैं असली आदमी हूं, मैं ही स्पिरिचुअल आदमी हूं। होली देन दाउ, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, तुम लोग बिचारी क्या, मैं तो स्पिरिचुअल पाथ पे हूं। इस तरह की स्पेशल होने की फीलिंग को बोलते हैं होलियर देन दाउ। ये ज़ेनोगा के साथ मेरे को नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, और होना भी नहीं चाहिए आपको। आपको इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जीव जंतु से अलग फील नहीं करना है कि अब तो मैं एनलाइटेंड होने वाला हूँ, मैं तो दवन हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके साथ साथ हो सकता है और भी बहुत से स्पिरिचुअल गुरुज हो, ग्रुप्स हो, लोग हो, उनको मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने रास्ते चल रहे हैं, आप अपने रास्ते चल रहे हैं, और फिर भी एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह आपके अंदर में सिंप्लिसिटी हो, एक बच्चे की तरह आपके अंदर, आपके एक्टिविटी में ग्रेस हो,
खूबसूरती हो, हम उसको अचीव करते हैं जिसको बोलते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। ये आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन वो चेंजेस ऐसे होने चाहिए जैसे शरीर का बड़ा होना, शरीर का बड़ा होना। बिल्कुल, जब मैं 10 साल का था तो मुझे लगता था मैं बड़ा हूं, मैं अपनी उम्र का हूं। अब मैं 20 साल का हो गया तो भी अपनी उम्र का हूं, 40-45 साल का हो गया तो भी मैं अपनी उम्र का ही हूं। मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हाय राम कुछ छूट गया, या हाय राम मुझे वो कब मिलेगा। मुझे कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आती अपनी एज को लेकर के। स्पिरिचुअलिटी के साथ भी यही होनी चाहिए, कोई स्पेशल फीलिंग नहीं, कोई स्ट्रेंड एफर्ट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए जिनोगा के साथ। एक आम आदमी दिन में कम से कम 16 घंटे जगता है। अब अगर मान लीजिए कोई बहुत बहुत मेहनत करके एक घंटे में खाली 20 थॉट डिकोड करता है, जो कि बहुत कम है, तो 960 मिनट्स, 16 घंटे में 960 मिनट्स इनटू 20 थॉट, टोटल 9200 थॉट्स वो डिकोड करता है एक दिन में। नॉर्मली जो लोगों का है ड्रिफ्ट, वो कहीं ज्यादा होता है इससे, और उसमें भी ढेर सारे ड्रिफ्ट्स होते रहते हैं। और ये सारे 19,000 जो डिकोडेड इंपल्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको कार्डेक्सिंग की जाती है। एक तरह से इंडेक्स होता है, ऐसे कार्डेक्स होता है कि कौन सा इंपल्स कौन से ग्रुप का है। आई सेंटर का है तो आई में डाल दो, ई का है तो ई में डाल दो। कभी कभी हम लोग, आज शाम को बड़ी मम्मी के साथ मैं बातें कर रहा था और बुआ के फंक्शन के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग करते 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 बड़ी मम्मी एकदम इमोशनल हो गई, तो मुझे उनको लाना पड़ा। इमोशनल हो गई मतलब हाय राम ये भी काम करना होगा, वो भी काम करना होगा, वो भी काम करना होगा, ऐसे करके परेशान सी हो गई, तो उनको मुझे लाना पड़ा। लेकिन मैं क्यों ला पाया, क्योंकि मैं अवेयर था, मैं आई सेंटर में था। तो ये आपके ब्रेन में ये कार्डेक्सिंग होती रहती है, और या तो आपका आई सेंटर बढ़ता है, या तो ई सेंटर बढ़ता है, या तो एस सेंटर बढ़ता है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत सेंटर बढ़ता जाएगा। जो करेक्टिव मेथड्स हैं वो ब्लाइंड रिपीटेशन नहीं है। हम लोग जो यहाँ जनोगा में करेक्टिव मेथड्स को फॉलो करते हैं, इसी को पुरानी दुनिया में मंत्र जप कहा करते थे, जो एकदम पिट गया है। जितने भी लोग मंत्र जप करते हैं और वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं। उसी में से निकल के आया है ये कॉन्सेप्ट कि घर में हनुमान चालीसा चालू कर दो, कोई और मंत्र चालू कर दो, भजन चालू कर दो, घर में प्योरिटी बनी रहेगी। नहीं होगी। आपके कॉन्शियसनेस में, आपके नंबर ऑफ थॉट्स की डिकोडिंग में कमी होनी चाहिए, तभी आपका ISM सेक्शन 2B और 3 खोल पाएगा। तो एक तरफ आप जब अपने आप को करेक्ट मेथड्स दोगे, ड्रिफ्ट वॉचिंग करोगे, तो उससे आपके नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे। दूसरी तरफ जब आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करो, तो 25,000 ब्रेथ जो आपके आते हैं डेली एवरेज, वो कम होकर के 17-18,000 हो जाएंगे। तो इमेजिन करिए कितनी ढेर सारी एनर्जी आप इकट्ठी करेंगे, कितना एनर्जी के लेवल पे आप करोड़पति होते जाएंगे। आम आदमी का, ध्यान से सुनिएगा, आम आदमी का जो थॉट्स है खट 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 चलता है। पता है कैसा है वो? जैसे कि हम लोग बचपन में माचिस की तीलियों के साथ खेला करते थे। एक इंपल्स आया, थॉट बन गया। एक इंपल्स आया, इमोशन बन गया। एक इंपल्स आया, चिंता बन गई। एक इंपल्स आया, एक्शन बन गया। एक इंपल्स आया, फिल्म देख लिया। तो ये ऐसा है जैसे कि आपने माचिस की तीलियां ली, जलाते गए फेंक दिया, जलाते गए फेंक दिया, जलाते गए फेंक दिया। लेकिन अब आपको समझ में आ गया, अब आप पिंपल्स को इकट्ठा करते हैं। तो माचिस की तीलियों का बारूद आपने निकाला रख लिया, निकाला रख लिया, और आप बैठे हैं उस फिल्म में, शॉशैंक रिडेम्पशन में, और आप कुछ नहीं, दोस्तों से बोलते यार माचिस दे दिया कर, और पिछले 20 साल में आपने बारूद इकट्ठा कर लिया है हजारों लाखों माचिसों का। बस आपने तीली जलाई, पूरा का पूरा जेल जल जाएगा, इतना बारूद इकट्ठा हो जाएगा आपका 20 साल में। ऐसे ही आपके थॉट्स की एनर्जी जब भी ब्रेन में स्टोर होती है, तो उसको वो जलाती नहीं है, वो आपको फ्री करती है। लेकिन उस एनर्जी को आपको पहले ख़त्म होने से बचाना पड़ेगा, जो नॉर्मली रॉन्ग ब्रीदिंग में, रॉन्ग ईटिंग में, रॉन्ग स्लीपिंग में, या रॉन्ग थिंकिंग में, डिकोडिंग में ख़त्म हो जाता है। उसको जब बचाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी एनर्जी बन के इकट्ठी होती जाए। ये दिखता नहीं है, ये अनऑब्जर्वेबल एनर्जी है। एक थॉट आया, एक इंपल्स आया, आपने किसी को देखा और उसको देख करके आप सोचने लगे यार काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, मेरे पास भी ऐसा शर्ट होता। वो जो
दिखता नहीं है, वो थॉट और वो डिजायर जब आपके ब्रेन में चल के डिकोड होता है तो खत्म हो जाता है। इसको आपको इकट्ठा करना होगा। अब आज की क्लास का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ होती है वो ये कि आप ग्रैस्प कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें जैसे खाना खाना, सोना, सेक्स को सही तरीके से करना, करेक्टिव मेथड्स को फॉलो करना, अपने ड्रिफ्ट्स को चेक करना, उनको एनालाइज करना, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये एनलाइटेंड होने के, कृष्ण बनने के लिए, मुक्त होने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स, माइलस्टोन लिखा उसमें, स्टेपिंग स्टोन्स मतलब सीढ़ियां हैं ये, आप इसके ऊपर चढ़ करके आगे जाते हैं। एक एक आदमी के लिए खाना खाना केवल खाना है, आपके लिए खाना खाना मतलब कृष्ण बनना है, जीसस बनना है, मोस्ट फ्री एंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी बनना है। ये चीज आपको कन्विंस्ड हो जाता है। हम लोग वही चीजें करते हैं जिस चीज के लिए हम कन्विंस्ड होते हैं, हम खुद कन्विंस्ड होते हैं, कोई और नहीं कन्विंस करता। आपने इतने सालों से जो ये टीचिंग्स पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट मिला है, आपकी जो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट है, आप जो थोड़े बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स कम हैं, वो किसी की बताई हुई हिप्नोटिज्म नहीं है, किसी ने आपका दिमाग नहीं बदल दिया, ये आपकी खुद की ग्रैस्पिंग है कि अगर मैंने गलत टाइम पर खाना खाया, गलत टाइम पर सोया, बहुत ज़्यादा सेक्स किया या अपने आप को ड्रिफ्ट होने दिया तो मैं भटक जाता हूँ। जब आपको समझ में आ जाता है तो ये पूरी बॉडी और इस बॉडी की एक्टिविटी आपके लिए एक कार की तरह काम करती है, रॉकेट की तरह, कि बस मुझे सही तरीके से इस रॉकेट के स्टीयरिंग को चलाना है और मैं सीधे वहां पहुंचूंगा जहां पर कृष्ण, जीसस, नानक, बुद्ध जैसे लोग पहुंचे हैं। एक थॉट लेकर अपने साथ बैठिए आज कि मैं अपनी खुद की परछाई से, परछाई किससे आती है, बॉडी से, मैं अपनी खुद की परछाई से कैसे फ्री हो सकता हूं। परछाई मतलब बॉडी, मैं अपनी खुद की बॉडी से कैसे फ्री हो सकता हूं। तो आज की क्लास में दो इंपॉर्टेंट लेसन है। सबसे पहला, कोई स्पेशल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बहुत से लोगों को ज़ुरुंगा फॉलो करने में शायद बीसियों साल लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वो परमानेंट होगा। कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, कोई होलियर देन दाउ फीलिंग नहीं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन क्या था आज का, कि सिंपल सिंपल सी चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स, ये सब के सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। वो सालों साल तक एक पैर पे खड़ा होने की तपस्या, वो प्रैक्टिस नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सही समय पे खाना खाना, सही समय पे सोना, सेक्स को मॉडरेट करना, ड्रिफ्ट को ऑब्जर्व करना, ये ग्रैंड स्पिरिचुअल स्टेप्स हैं। ये सबसे एडवांस्ड प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये ABCD है। ये जब आपको, जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तब आप सारे एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए रेडी हो जाएंगे। जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स, उनको बहुत स्पेशल मटेरियल का बनाया जाता है ताकि वो जब इतनी जोर से उड़े तो स्पीड की वजह से उनका मटेरियल तुरंत खत्म ना हो जाए। अगर लोहे का जैसे ट्रेन बनती है या बाइक बनती है, उसको उतनी स्पीड से उड़ा दें जितनी स्पीड से रॉकेट उड़ता है, तो रास्ते में जल जाएगा। तो ये बॉडी को हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा, अगर इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में जाना है, मॉलिक्यूलर बॉडी को कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का मालिक बनना है, अभी फिजिकल बॉडी उस लायक नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है 3-step ब्रीदिंग से, फूड से और ज़िनोगा से। क्या आप ज़िनोगी बनने की यात्रा में मेरे साथ हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 billion ज़िनोगी में से 4 ज़िनोगी हमारे घर में हैं? है? और बाकी कहाँ है दोस्तों? अगर आप भी हमारे जैसे एक ज़िनोगी बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आज ही कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।